हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको रियल स्टेट में जो हमें लोग मिसगाइड करते हैं उसके बारे में मैंने बनाने की आज कोशिश की है। सो, ये मैं आपको दो प्लॉट दिखा रहा हूँ। ये प्लॉट है हमारा, ये रोड जा रही है और रोड पे ये टेढ़ा प्लॉट है, ये 90 डिग्री में नहीं है। और लोग इसको ये कह रहे थे मेरे को, जो जब दिखाया गया हरियाणा का प्लॉट है ये, कि सर 125 फुट का फ्रंट लग रहा है, यदि आपने 10 फुट की दुकानें निकालनी हो तो इसमें 12 दुकानें निकलती हैं। जबकि ये गलत है, 125 फुट है ही नहीं, 125 फुट नहीं है क्योंकि ये टेढ़े में है। यदि 125 फुट की करनी पड़ेगी तो ऐसे 125 फुट इसको लगाना पड़ेगा, तो ये भी सारी दुकानें हमें टेढ़ी करनी पड़ेंगी। ये एक्चुअल इसमें 88 फुट का जो इसमें चौड़ाई है 88 फुट की है। तो ये ज़्यादातर ये क्यों, मतलब मिसगाइड हम क्यों हो जाते हैं कि हम इसको देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 125 फीट है, जबकि 125 फीट है नहीं। यदि हमने राइट एंगल में दुकानें निकालनी है तो 88 फीट ले आनी पड़ेगी, 11 फुट की 8 दुकानें निकल सकती हैं इसमें, ना कि इसके इनके मुताबिक 10 फुट की 12.5 दुकानें निकलेंगी। ये आपने देखना है कि ये यहाँ से राइट एंगल में जब दुकानें निकालोगे तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ हैं, नहीं तो ये सारी की सारी, यदि ये सारा ये प्लॉट भी सारा ऐसी टेढ़ा हो जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता। अब दूसरी केस स्टडी ये भी हैरान की है, और इस तरीके का प्लॉट है ये, 220 फीट फ्रंट है रोड को और 130 फीट पीछे को है। तो इसमें भी ये बताया गया कि इसमें जो 220 फीट के हिसाब से 22 दुकानें निकलनी है, और 3 लाख की दुकान बेची जाए तो 66 लाख रुपए की बचत आती है, इसमें सेल हो जाती है। जबकि ये इसमें 220 फीट है जो, ये मेरे हिसाब से 10 या 11 दुकानें निकलती हैं। 10 11 दुकानें क्यों निकलती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर राइट एंगल पे यदि हम ऐसे मार देंगे इसको तो ये यहाँ तक ये जगह सारी ये वेस्टेज है, ये सारी जगह वेस्टेज में जाएगी। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बात बिल्कुल छोटी है लेकिन आपको मिस गाइड करके, यदि आप इन्वेस्टर हो आपको मिस गाइड करके जो प्रॉपर्टी के दलाल हैं वो आपको फंसा सकते हैं, आपका पैसा डुबा सकते हैं या आपका नुकसान करा सकते हैं, या उस मतलब अमाउंट को आप अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने से पहले कहा गया कि इसमें आपको इतने पैसे बच सकते हैं, इसमें इतने पैसे बच सकते हैं। आपको इन डेप्थ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, यदि आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो आपके पास इन बातों में आप नहीं फंसोगे, यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली फंसोगे। तो जब फंस जाता है आदमी तो उसका नुकसान होता है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, बहुत छोटा सा काम है ये, आपने थोड़ा सा देखना है, ये पीछे राइट एंगल में देख लेना, यदि आप राइट एंगल में देखने में कामयाब हो जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ इतना ही टॉपिक था, इतना ही इसका आज सब्जेक्ट था, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ आ जाएगा और अपनी ज़िंदगी में उतार लोगे इसको। सो, आज के लिए इतना ही, और मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो में। तब तक आप मेरा YouTube चैनल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लो, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, लाइक कर देना, और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ जल्दी।